नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, शनि देव कुंभ राशि में फिर से उदय हो गए हैं। अभी तक अस्त थे तो 18 तारीख से 18 मार्च को जो है वो उदय हो गए, तो उससे मेष राशि वालों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मेष राशि जो होती है वहां पे मेष राशि की कुंडली में शनि देव जो होते हैं उनके 10वें और 11वें स्थान के मालिक होते हैं, मतलब कि उनके कर्म के और लाभ के दोनों स्थान के स्वामी होते हैं। इसलिए मेष राशि वाले जो जातक होंगे उनको कर्म के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में दोनों स्थान पे लाभ ही लाभ प्राप्त होना चाहिए। बाकी कुंडली में आपकी क्या स्थिति है शनि की, उसके ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन गोचर के हिसाब से शनि की जो स्थिति है आपको काफी लाभ देने जा रही है। मेष राशि के कुछ लोग अभी फरवरी से 13 फरवरी के आसपास जब शनिदेव अस्त हुए थे तब से लेकर अभी तक थोड़ा दिक्कत में भी रहे होंगे, आर्थिक रूप से भी समस्याएं रही होंगी। अब वो आर्थिक समस्याएं भी सब खत्म होने वाली हैं और यहाँ तक जो आपको कुछ शत्रु भी थोड़ा मुड़ा इधर उधर परेशान कर रहे थे तो शत्रु लोग भी अब जो है सब शांत हो जाएंगे, उनके ऊपर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ पे एकाएक आपको धन भी मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ साथ मित्रों, मेष राशि वाले जो लोग होंगे उन लोगों को ध्यान जो रखना है वो एक चीज पे ध्यान रखना है, वो अपने वैवाहिक जीवन पे ध्यान रखना है, अपने ससुराल के साथ संबंध जो है अच्छे बना के रखने हैं और साथ ही साथ पत्नी के साथ भी संबंध जो है अच्छे बना के रखने हैं। ये एक चीज मेष राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। यहाँ पे एक चीज और बहुत अच्छी होगी मेष राशि के उन लोगों के लिए जो अभी तक बेरोजगार है, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को नौकरी मिलने का, काम काज नया शुरू होने का बहुत बढ़िया चांस आ गया है। तो कुल मिला के मेष राशि के जो जातक है उन लोगों के लिए जो ये समय आया हुआ है वो काफी अच्छा फल देने वाला है। और मेष राशि के जो लोग होंगे उन लोगों को, बच्चों को जो पढ़ाई में मेहनत करना चाहते हैं या मेहनत करना में मन नहीं लग रहा था, अब देखिएगा आप लोग मेहनत भी करेंगे। माता पिता उनके एकदम निश्चिंत हो जाएं क्योंकि अब वो मेहनत भी करेंगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स ला के भी आपको दिखाएंगे, क्यों ये अब शनि देव का जो साथ है उनको मिलने लगेगा, तो उससे क्या है जो उनका कंसंट्रेशन भटक रहा था उसमें भी काफी लाभ होगा। मेष राशि के जो जातक हैं उन लोगों को ये जो शनि का उदय है काफी अच्छा लाभ देने वाला है। मित्रों, इस वीडियो में मित्रों फिलहाल के लिए इतना ही, पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।